नमस्कार, आज वापस से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टीचर्स ट्रेनिंग का। आज सेकंड डे है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। कल हम लोगों ने बातचीत की कंटेंट पर। आपके पास कंटेंट होगा तभी आप बच्चों को कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। नॉलेज होगा तो नॉलेज दे पाएंगे। जिसके पास जो होता है वही दे पाता है, जिसके पास है ही नहीं तो वो देगा क्या, राइट है। तो सबसे मेन चीज़ तो है कि आपका सब्जेक्ट का नॉलेज और उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको करंट अफेयर भी पता होना चाहिए, इसलिए आप न्यूज़ वगैरह भी आप लोग देखें, ऐसी आशा मैं करता हूँ। अब जो हम सेकंड सी की जो हम बातचीत करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे कम्युनिकेशन पर, कि हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर्स। तो उस बारे में हम लोग बातचीत कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया था जो आप सभी के पास होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया है, आप सभी ने सोल्व कर लिया है इसको, क्या कर लिया है? ओके, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसके आंसर बता रहा हूँ, है ना। एक वन बाई वन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका जो है आप आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो आप सभी लोग के पास भी पेपर हो गए हैं और इसमें आपने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ गुड टीचर डिराइव एटमोस्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम। एक टीचर को संतुष्टि प्राप्त होती है किससे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आप में से कितने लोगों ने बोला है? डी, ठीक है। डी, हाँ डी, रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज। रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज से उसको जो है संतुष्टि मिलती है। सभी ने यही किया है, ठीक है, एक नंबर दे लो अपने आपको। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट योर स्टूडेंट्स फ्रॉम बुलिंग सब स्टैंडर्ड फूड आइटम फ्रॉम द स्कूल गेट यू वुड। अब प्रश्न ये है कि आपके स्कूल के बाहर कोई जो है चना चुरंजी भुड़ंगड़ा कोई बेच रहा है, तो अब आप जो है और वो जो है उसमें वो पांच पांच वाले जो चीज़ें आ रही ना आजकल पैकेट में बंद, उसमें मसाला वसाला सब रहता है, तो चटपटी खाने में अच्छी लगती है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि उसका जो है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा, मतलब जो है ख़राब इम्पैक्ट भी है उसके। तो हम आप क्या करेंगे एज ए टीचर, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, टर्न अवे द हॉकर्स फ्रॉम द स्कूल गेट, उसको बोलेंगे चल निकल लें यहाँ से। ऑप्शन बी, आस्क द स्टूडेंट नॉट टू गो आउटसाइड, बच्चों से बोलेंगे कि बाहर मत जाओ भाई। ऑप्शन सी, इन्फॉर्म द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन डी, अनाउंस इन द असेंबली दैट स्टूडेंट शुड अवॉइड सच फूड आइटम। आप में से कितने लोग बोलते हैं कि इन्फॉर्म द प्रिंसिपल? ओके, एक दो तीन चार, है ना, आप लोगों ने बोला है ऑप्शन सी। ओके, आप में से कितने लोग बोलते हैं ऑप्शन डी है? ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है, हमें असेंबली में अनाउंस करना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन पे एक बात आती है, एक मिनट, ये जो है मैं बोल रहा हूँ उस पर आगे आगे बोल रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि जो चीज़ हम अप्लाई करते आए हैं या हम सोचते आए हैं जरूरी नहीं कि वो सही है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये मैंने मेरी मर्जी से लिए कि व्हाट आई थिंक, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आप जैसे कहीं आप बीएड पढ़ रहे होंगे या बीएड के लिए आप पढ़ाई करते हैं या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई करते हैं, मैंने वो क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं जो ऑलरेडी मतलब थ्योरी बेस्ड होते हैं और ऑलरेडी रिसर्च बेस्ड होते हैं यूजुअली। अब कोई ना हो एक अलग बात है, कोई चीज़ 100 में 2 चीज़ें गलत भी निकल सकती है एक अलग बात है, पर यूजुअली जैसा हम सोचते हैं एग्जैक्ट ऐसा सही हो जरूरी नहीं है। तो अब आपको ऐसा लगेगा कि आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दो, आप नहीं, इसका मतलब ये कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप टालना चाह रहे हैं। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई चीज़ आपको लगता है कि उचित नहीं है तो उसके बारे में बच्चों को अवेयर करें। आप असेंबली में नहीं कर पा रहे तो क्लासरूम में करें, अच्छी चीज़ों को इन्फॉर्म करें,
जिसको समझाना उसको समझाए, हर चीज़ प्रिंसिपल के पास लाने से क्या फ़ायदा होगा। ये तो वो फिर वो तो वो प्रिंसिपल का एटीट्यूड कभी कभार ऐसा होता है कि उसको सेंट्रलाइज चीज़ें चाहिए, हर चीज़ हर बात उसको पता होना चाहिए, तो वो ये दकियान उसी का टाइम गया जो है। अब एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्या होना चाहिए कि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उसको सॉर्ट आउट करें, ये वाली बात है। अब इस पर डिबेट करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मेरे नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैंने रिसर्च बेस्ड स्टडी से ही ये क्वेश्चन लिए हैं। अरे फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बोलूँ कि आप मैंने क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं, जो आप लोग बीएड वगैरह में स्टडी करते हैं वहाँ से लिए। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ फ्यू स्टूडेंट ऑफन डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास यू वुड, जब बच्चे जो है क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ये सारे प्रैक्टिकल चीजें हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? आप इसको छोड़िए, आप क्या करेंगे? आप बच्चों को लेंगे और कूट देंगे, यही यूजुअली आप करते हैं, और यही आपको नहीं करना है, फिर भी आप करेंगे, और फिर भी मैं बोलूँगा कि आपको नहीं करना है, ये आपकी कमजोरी को दिखाता है। किसी के भड़काने से यदि कोई भड़कता है तो वो भड़कने वाला कमजोर है। आप एक दोस्त से, मैंने कल दो मैं कहीं मैंने देखा है कहीं जगह, एक दोस्त से वो उसने उसको चांटा मार दिया तो वो बहुत गुस्से में हो गया और वो बोले कि मैं इसे गला काट दूंगा। तब मैं एक्चुअली पास में खड़ा था, मेरा कोई इससे रिलेशन नहीं था, फिर मैंने बोला, मैंने कहा बेटा शांति से बैठ जाए यार, मैंने कहा तू गला काटेगा उसके बाद तेरा क्या होगा, वो भी तो सोच और बैठ जा भी। आई मीन टू से कि हम लोग जो है बड़ा, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़ा गुस्सा हो के या हमने बच्चों को पिटाई करके कब से बहुत बड़ा कोई इनाम जीत लिया है, तो बच्चों की पिटाई करके इनाम जीत लिया है ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो मजलूमों पर जुल्म करता है वो जो है अत्याचारी है, उसके बॉडी में खून नहीं, वो खून नहीं वो पानी है, क्योंकि वो बच्चों पे जुल्म कर रहा है, वो बच्चा है, बच्चा आपको रिवर्ट नहीं कर सकता है, इसलिए आप उसको मार रहे हैं। यही झापट आप जो है अपने बराबरी वाले को मार करके देखिए, आप पत्नी है तो पति को मार के देखिए, और पति है तो पत्नी को मार के देखिए, आपको नानी याद ना आ जाए तो फिर बताना। लेकिन चूंकि वो छोटा बच्चा है, चूंकि आप उस पर धौंस जमा सकते हैं, इसलिए आपने उठाया और धन से धर दिया। ये मतलब फ्रिक्वेंट नहीं होना चाहिए, मेरा कहना मतलब ये, बच्चों को डांटना भी पड़ता है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बच्चों को समझाना भी पड़ता है, और यदि आप उसके माँ बाप हैं तो मेरे हिसाब से तो एक सही उम्र में आपको उसको दो चार झापड़ भी लगाना पड़ता है और ज़रूरी भी है। पर लेकिन जो एक टीचर जो होता है, टीचर के पास दोनों रोल होते हैं, मम्मी वाला भी पापा वाला भी। अब मम्मी और पापा का रोल क्या है, मैं आपको बहुत कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मम्मी का रोल ये है कि मेरा बेटा है, ये यदि कुछ नहीं भी कर पाया, ये गलती भी कर रहा है, तो भी मेरा बेटा है, मतलब कि हर सिचुएशन में आपको एक सपोर्टिंग हैंड है। और पापा वो है कि हर बात में सपोर्टिंग हैंड नहीं है, यदि आप गलती कर रहे हैं तो वहाँ आपको वो व्यक्ति रोकेगा टोकेगा, और ज़रूरत पड़ी तो आप में झापट भी मारेगा। तो पापा का रोल है कि वो जहाँ गड़बड़ कर रहा है वहाँ रोके भी सही, पर मम्मी का रोल यूजुअली होता यही है कि वो सपोर्ट करती है। तो ये दोनों रोल जो है टीचर ने प्ले करना पड़ते हैं। टीचर जब आप होते हैं तो आप गलती पर रोकते भी हैं, और कई बार जो छोटी मोटी गलती आपको इग्नोर भी करना पड़ती है। तो एक प्रकार से एक टीचर जो है वो दोनों का रोल जो है प्ले कर रहा होता है। आफ्टर ऑल आप उसके माँ बाप नहीं होंगे, लेकिन फिर भी स्कूल में जो एक टीचर है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, और माँ बाप के बाद में सबसे
जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो वही है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि व्हेन ए फ्यू स्टूडेंट ऑफन, कुछ बच्चे जो बार बार क्लास को डिस्टर्ब करते हैं तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर वन, एक्सपेल ए फ्यू स्टूडेंट टू थ्रेटन देम। ऑप्शन बी, रिपोर्ट स्ट्रॉन्गली टू द प्रिंसिपल। ऑप्शन सी, वर्क टूवर्ड हैविंग बेटर म्यूचुअल रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। और ऑप्शन डी, सेवरली पनीज दोज स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी अब नहीं बोलेंगे आप कि प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। एक ही क्वेश्चन समझ में आ गया। यस, हर जो चीज़ बच्चों से रिलेटेड है उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम सॉर्ट आउट करें। कोई ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्म करना चाहिए एक अलग बात है, लेकिन वर्क टूवर्ड हैविंग बेटर म्यूचुअल रिलेशन विद स्टूडेंट, स्टूडेंट के बीच में बेटर म्यूचुअल रिलेशनशिप हो। अब बच्चों के बीच में अच्छे म्यूचुअल रिलेशनशिप कब होंगे, यही इस सवाल पर ही मेरा सवाल है कि बच्चों के बीच में अच्छे म्यूचुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हमें करना है, कैसे करेंगे। टीचरों में अच्छा तालमेल होना चाहिए, यही बोल रहे हैं आप। वेरी गुड, क्लैप फॉर उषा मैडम, अजराइए आप। चलो ठीक है, अभी बाकी टीचर सोचेंगे कि ये बहुत खास मैडम है। चलो ठीक है, तो क्लैप फॉर उषा मैडम। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वो आ जाएगा उसमें। वेल, तो आप ये चाहते हैं कि बच्चों के बीच में अच्छे म्यूचुअल रिलेशनशिप रहे, तो देखिए बच्चों के लिए ये एक ही बेस्ट फंडा है, जो हम करते हैं बच्चे भी वही करते हैं। घर पे जैसे पति पत्नी ज़्यादा झगड़ते हैं तो बच्चों में भी वो असर आता है कि वो बच्चे भी झगड़ालू हो जाते हैं, उन्हें भी बात बात पर गुस्सा आता है। वो बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं तो ये भी हो सकता है प्यार से रहे, होता है यूजुअली, ऐसा ही होता है। तो जो हम करते हैं बच्चे वो देख के सीखते हैं। तो अब बींग ए टीचर, आपका व्यवहार बाकी के टीचर से कैसा है, आप दूसरों के बारे में क्या बोलते हैं वो मायने रखता है। आप एक नंबर के चुगलखोर तो नहीं हैं, जो यूजुअली होते हैं लोगों, आप नहीं हैं लेकिन होते हैं, कि दूसरों के बारे में उल्टी, दूसरों के बारे में नेगेटिव बात करना, तो बच्चे भी फिर ऐसे ही होंगे। उसके बारे में दूसरे के बारे में बात करेंगे और दूसरे के बारे में बातचीत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बात फिर वापस उसके पास पहुँच जाएगी और फिर जो है वो उसको बुरा लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने खास व्यक्ति को बताता है कोई बात, फिर उस खास का कोई खास होता है, फिर उस खास का कोई खास होता है, और वो उस खास का व्यक्ति कोई अपना वापस उस व्यक्ति का खास होता है जिसको बात बताना थी, तो वो बात धीरे धीरे उसके पास पहुँच ही जाती है। इट मीन्स ये हुआ कि आपने किसी के बारे में कोई ओपिनियन दिया है तो वो ओपिनियन उसके पास यूजुअली मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं तो वो पहुँच ही जाता है। तो आपको अपने ओपिनियन जहाँ तक हो सके नहीं देना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उसमें अच्छी बात क्या है वो सोच देखने की कोशिश करना चाहिए। आपको हर इंसान में कोई ना कोई तो अच्छा ही देखने को मिल ही जाएगी, पर लेकिन नहीं, आपने तो सोच के रखा हुआ है कि मुझे तो काला चश्मा पहन के चलना है क्योंकि वो गाना सुन लिया आपने, तेनू काला चश्मा जद्दा है, तो जो है वो नहीं, मुझे काला ही देखना है। अरे भाई उसमें जबरदस्ती काला क्यों देखना आपको, आप उसमें खूबियाँ हो सकती है वो देखने की कोशिश करें, मिलेगी आपको खूबियाँ। हमारा राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। अ टीचर कैन बिकम अ फेवरेट अमंग स्टूडेंट्स, एक टीचर जो है स्टूडेंट्स के बीच में फेवरेट कैसे हो सकता है। तो चार ऑप्शन दिए, आप सीधे बताइए क्या जवाब होना चाहिए। ओके, देखो पहला में ऑप्शन है हेल्पिंग देम कंप्लीट देयर होमवर्क, उनका होमवर्क में हेल्प करवा दे। ऑप्शन नंबर बी, टेलिंग देम स्टोरीज एंड जोक्स, स्टोरी सुनाओ, जोक सुनाओ, अपना आपको कपिल शर्मा समझो, नहीं अच्छा, कंप्लीटिंग देयर सिलेबस क्विकली, सिलेबस फटाफट तैयार कंप्लीट करवा दो, चलो नहीं वो तो करवाना ही नहीं पूरा है ना। ओके, ऑप्शन डी, बिहेविंग विद
देम इन अ सिंपैथेटिक मैनर, उनके साथ सिंपैथी रखें, जो है सिंपैथेटिक वे में पेश आए, सहानुभूति के साथ पेश आए, उनको ऐसा नहीं लगे कि राक्षस है ये, मैं क्लास में जाऊंगा तो ये जो है आक्ष मुझे चिल्लाएगी, डांटेगी, तो मुझ पर अत्याचार करेगी। तो जब बच्चा ऐसा सोचे ना कि मैं क्लासरूम में जाऊंगा तो मुझे कोई राक्षस जैसा इंसान मिलेगा जो तो मुझे निचोड़ देगा, आते से मुझे सवाल का जवाब नहीं दिए तो मुझे जो है मेरा जीना बिल्कुल जो है वो कर देगा, मतलब मुश्किल कर देगा। तो तब जो है बच्चा क्या होता है, तब जो है बच्चा पढ़ाई से दूर होने लग जाता है, तब बच्चा जो है क्लासरूम से बचने की कोशिश करता है। तो आप यदि बच्चे से सहानुभूति वाला व्यवहार रखते हैं, आप यदि बच्चे से सिंपैथेटिक वे में बिहेव करते हैं, तो ये बात तय है कि बच्चा जो है वो आपकी क्लास को प्यार करेगा, आपकी क्लास को लाइक करेगा और आपको भी लाइक करेगा, और धीरे धीरे आप जो है एक फेवरेट टीचर बन जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक वे में ही पेश आ रहे हैं। सिंपैथी और एक लीनियंसी में फ़र्क होता है। सिर्फ सिंपैथेटिक वे में पेश आने से कुछ नहीं होता है, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, कंटेंट भी होना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई भी आपकी ठीक ठाक होना चाहिए। आप पढ़ा रहे हैं उसमें 0/0 है और सिर्फ सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो किस बात की सिंपैथी? कमजोरों की सिंपैथी किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, मजबूत की सिंपैथी चाहिए। हर व्यक्ति जो है पावर से जुड़ना चाहता है ना। आज एक बड़ा नेता कोई आता है तो लोग उससे मिलने जाएंगे, बड़ा फिल्म स्टार आएगा तो उससे मिलने जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि वो कोई बेचारा मजदूर आया है उधर से गेती लेकर के, तो उसके पीछे गए हैं 5-25 लोग, बोले साहब मजदूर आया है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, पावर के पीछे लोग भागते हैं। तो पावर तो आपका होना चाहिए। आपका पावर क्या है? आपका पावर आपका क्या है? नॉलेज। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एज ए टीचर यू वुड प्रिफर टू बिहेव इन अ मैनर विच इज डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, फ्री फॉर ऑल, एज ए सिचुएशन परमिट। आप में से कितने लोग आंसर ए बोलते हैं? ए कितने लोग बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं 2, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कितने लोग बोल रहे हैं? ऑप्शन सी कितने लोग बोल रहे हैं? ऑप्शन डी, या वेरी गुड, सबके सब गलत, एक्सेप्ट 2 लोगों को छोड़ोगे। जिन्होंने ए आंसर दिया है वो लोग प्लस 1 कर लें, और जिन्होंने ए के अलावा आंसर दिया है वो 0 कर लें। इसका आंसर ए सही होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एज ए टीचर यू वुड प्रिफर टू बिहेव इन ए मैनर विच इज, यहाँ दे रखा है डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और फ्री फॉर ऑल और एज सिचुएशन परमिट। अब आपने सोचा कि जैसे सिचुएशन के साथ हम कर लेंगे, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि आप डेमोक्रेटिक से कुछ समझते ही नहीं। डेमोक्रेटिक मतलब क्या हुआ? प्रजातांत्रिक वे है ना, मतलब ये कि सभी के ओपिनियन उसमें लिए जाए, सभी की, हाँ, तो सभी का ध्यान रखा जाए। तो डेमोक्रेटिक एक विचारधारा है, एक सोच है, कोई सिर्फ चुनाव तक इसका लेन देना नहीं है, है ना। तो डेमोक्रेटिक वे में पैसा रहे, इट मीन ये कि सभी के ओपिनियंस को सम्मान दिया जाए, सभी का ओपिनियन लिए जाए, उस सोच को डेमोक्रेटिक सोच बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक इट मीन नाइट ताना सही, बस मैं हूँ तो मैं हूँ, तो हमने बोल दिया वो फाइनल है। और एज ए सिचुएशन परमिट, तो सिचुएशन तो हमेशा, आप तो सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है। आप मुझे बताइए कि सिचुएशन के हिसाब से क्या, जैसे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर देना चाहिए क्या? ख़त्म कर देना चाहिए क्या? नहीं ना। तो इसी टाइप से डेमोक्रेटिक आपका जो सोचने का नज़रिया है क्लासरूम में, वो आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, या ख़त्म नहीं। बिहेविंग इन एन अनडिसिप्लिन्ड मैनर यू वुड, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कंप्लेंट टू हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स को कंप्लेंट करेंगे। ऑप्शन बी, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल।
ऑप्शन सी ट्राई टू नो हिज प्रॉब्लम एंड हेल्प हिम. यस. ऑप्शन डी पनिश हिम सेवरली टू करेक्ट हिम. यस. ऑप्शन सी ए ट्राई टू नो हिज प्रॉब्लम एंड हेल्प हिम. यह सही आंसर यही है. लेकिन हम थ्योरेटिकल तो ऐसा बोलते हैं कि हाँ साहब जो है हम उसको हेल्प करेंगे, लेकिन हम इसमें से नहीं करते हैं. हम प्रिंसिपल के पास भी लेकर कहेंगे सर ये देखो ये बच्चा मान नहीं रहा है, ये पहले तो बहुत अच्छा पढ़ता था अब इसको ना दिखाओ क्या है. फिर जो है पेरेंट्स को भी फोन लगा, पेरेंट्स को भी बोलेंगे आपका लड़का बिल्कुल बेकार हो गया है, बिल्कुल पहले से तो बिल्कुल बेकार हो गया है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए इस पर. और पेरेंट भी परेशान हो जाता बेचारा, कह रहे यार मैं कहाँ का ध्यान दूँ, मैं अपना घर का काम करूँ, बाहर का काम करूँ, बच्चे पर ध्यान दूँ, क्या क्या करूँ, ये बच्चे का ध्यान रखने के लिए तो मैंने स्कूल पूछा है इसको. तो उसकी प्रॉब्लम को जानना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, है ना. हम किसी से एडवाइस ले सकते हैं. आपको लगता है कि यदि प्रिंसिपल उस आपको लगता है कि उस काबिल है कि वो आपको अच्छी कोई एडवाइस दे सकता है, तो फिर आप उससे डिस्कस करो. आपको नहीं लगता तो उससे मत करो. राइट है करोगे ठीक है. ऐसे अब आप जो मन में सोच रहे हैं आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है. आई एम एबल टू गिव यू गुड एडवाइस यदि ऐसा लगे तो, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है. कुछ चीज़ें तो कॉमन ही होती हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो फिर आपको एडवाइस लेना चाहिए और बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए. बहुत सारों की हम खाली प्रॉब्लम ही समझ लेना तो ही उनका दुख कम हो जाता है. किसी का दुख हम जान लें कि भाई क्या दुख है बता सही, तो ही उसका दुख जो है कम हो जाता है. तो इसी टाइप से किसी बच्चे का कुछ इश्यूज होते हैं, वो अपने लिए कोई बड़े इशू नहीं है, बहुत छोटे इशू हैं. अब जो मेरी एज में आ चुके हैं उन लोगों के लिए, या आप लोगों के मतलब जो 30-35 पार कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत सारे इशू नहीं होते हैं, इशू इनफैक्ट होते ही नहीं हैं. पर लेकिन छोटे बच्चे के लिए, बड़े बच्चों के लिए जो 12 साल 15 साल का, उसके लिए बहुत बड़े बड़े इशू है वो, जो हमारे लिए कोई इशू नहीं है. कोई बड़ी रूटीन चीज़ें हैं वो उनके लिए वो इशूज़ भी हो सकते हैं. तो हम सिर्फ उसकी प्रॉब्लम जानने, छोटी छोटी बात भी हो सकती है कि वो चूंकि उसका बहुत दिनों से होमवर्क नहीं किया था, होमवर्क बाकी रह गया इसलिए वो बच्चा डिप्रेशन में आ गया है. डिप्रेशन में आ गया इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होमवर्क ले रहा है. डिप्रेशन इट मीन्स ये नहीं कि वो कोई सेवरल बीमारी में चला गया, पर लेकिन वो बहुत टेंशन में है और बहुत दुखी हो गया है. वो खाली होमवर्क नहीं हुआ है. अब होमवर्क नहीं होना हमारे हिसाब से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है थोड़ा बाद में हो जाएगा, थोड़ा बहुत टीचर से बात करके खत्म भी कर सकते हैं. लेकिन उसके मन में डर है कि इधर टीचर डांटेगी और पापा को भी फ़ोन कर देगी और उधर पापा भी पिटाई कर देंगे, तो उसके मन में बड़ा डर बैठा हुआ है. आप यदि उससे सिंपैथेटिक वे में यदि वो बात जान लेते हैं, उसका दुख वहीं ख़त्म हो जाएगा. वेल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्या है, इन केस द पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड रिपोर्ट दैट द चाइल्ड हैज स्टार्टेड टेलिंग लाइज एंड डज नॉट बॉदर अबाउट द होमवर्क यू वुड. यदि पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि जो बच्चा है वो आजकल झूठ बोलने लग गया है और वो जो है होमवर्क वगैरह की ज़्यादा परवाह नहीं करता है, तो आप क्या करेंगे. ऑप्शन ए एक्सपोज हिम इन फ्रंट ऑफ क्लास एंड ह्यूमिलेट हिम, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं 80% यही करते हैं. तू तेरे पापा की बात नहीं सुन रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठा बन गया है, तू मक्कार बन गया है, और पूरे क्लास में उसकी जो है पूरी बेइज्जती करके रख देते हैं. अरे मैंने उसको अच्छा खासा धो दिया. अरे भाई आप इतने 30 मार खा हो तो ये धोना किसी अपने बराबरी वाले को चाहिए था. आपने बच्चे को धो के आप वही बोल रहे हो कि मैंने उसको धो दिया है. ये तो वही बात हो गई कि जो है एक बंदूकधारी ने एक चींटी को मार दिया. खैर, तो ऑप्शन ए कि आप उसको जो है क्लास सामने ह्यूमिलेट करेंगे. ऑप्शन बी बिकम मोर विजिलेंट टुवर्ड द चाइल्ड एंड काउंसिल हिम, उसके बारे में और ज़्यादा विजिलेंट होंगे और ज़्यादा उसके बारे में जो है एक्टिव होंगे और उसको काउंसिल करेंगे. ऑप्शन सी नॉट बोदर मच एज पेरेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इशू पनिश द चाइल्ड. तो चार ऑप्शन में से आपका क्या जवाब है.
हाउ मेनी ऑफ यू से सी, हाउ मेनी ऑफ यू से डी, व्हाट इज द चाइल्ड, क्या सी? आप बोल रहे हैं नॉट बदर मच एज पेरेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इशू, इस बारे में हमें चिंता नहीं करना चाहिए, और जो है क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को ऑलरेडी इस बात पता है, इसलिए हमें कोई इस बारे में जो चिंता नहीं करना चाहिए, यह आपका जवाब है। ओके, आपका जवाब गलत जवाब है, इसका सही जवाब है बी, मोर विजिलेंट होंगे और बच्चे को काउंसिल करेंगे, बच्चों की काउंसलिंग करना भी हमारा पार्ट है, इसलिए आप बोलते हैं हम लोग सुनते होंगे ना टीचिंग एंड काउंसलिंग, तो काउंसलिंग भी और टीचिंग जो है कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। ये हम ऐसा नहीं सोच सकते कि साहब ये तो जो है पेरेंट्स को पता है, बस पेरेंट्स को पता है कि ये बच्चा कमज़ोर है, अब हमको क्या दिक्कत है, पेरेंट्स को पता है कि बच्चा जो झूठ बोलता है, हमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो झूठ बोलता है उसको कलेक्ट करना, उसको सही राह पे लाना हमारा फर्ज है। हम पेरेंट्स के लिए उतने यूजुअली, एक बात जरूर है कि वो पेरेंट जो है स्कूल के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, पर लेकिन हम पेरेंट्स के लिए जिम्मेदार नहीं, हम बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं। हम जो है जो करेक्शन लाना है, जो कुछ करना है, हम बच्चों के लिए करेंगे, पेरेंट्स वो एक थर्ड पार्टी पर्सन है, हमारे लिए जो कंसर्न रखते हैं वो है बच्चे, बच्चों का डेवलपमेंट, बच्चे क्या सोच रहे, अच्छा सोच रहे नहीं सोच रहे, बच्चों के प्रति कंसर्न होना हमारा फर्ज है। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्रेज अ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर की प्रशंसा करने के लिए, एक मिनट मैडम, क्या चीज जरूरी है? ऑप्शन ए हिज फाइनेंशियल स्टेटस, पॉपुलरिटी इन द सोसाइटी, नॉलेज एंड रिस्पेक्ट, अथॉरिटी एंड पावर। एक टीचर को प्रेज करने के लिए नॉलेज एंड रिस्पेक्ट, कितने लोग बोलते हैं यही बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, आप 1 पॉइंट अपने आपको दे लीजिए। वैसे कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि ज्ञान है और जो है रिस्पेक्ट है, प्रैक्टिकली जो है हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं आज भी हम लोग, पर ये सोसाइटी को थोड़ा सा चेंजेस लाना चाहिए कि यदि आपने किसी को, जैसे मैं खासकर यंग बंदों की बात कर रहा हूँ, मैं जो है फीमेल टीचर को भी फिलहाल नहीं मायने रख रहा हूँ, मैं मेनली जो जो लोग जैसे अब मतलब जो 20-25 साल के लड़के खासकर जो टीचर बन गए उनकी बात कर रहा हूँ। क्या करते हो? टीचर है। तो सामने वाले का दूसरा जवाब आंसर मतलब सवाल ये होता है सरकारी टीचर हो। आपने बोल दिया नहीं, तीसरी बार वो पूछता ही नहीं आपसे, तीसरे सवाल पे वो आपसे बात ही नहीं करता है। ये है समाज का टीचर के प्रति जो है ये आउटलुक है कि आपने उसको बता दिया कि भाई प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ, बस उसके आगे वो बात ही नहीं करेगा, वो उसके दिमाग में सोच लेगा ये बस ये गरीब गुरबा है, ये बेचारे के पास जो है 2 जोड़ कपड़े होंगे, एक जोड़ घर पे पजामा पहनता होगा, स्कूल में जो पैंट शर्ट पहन के जाता होगा, और इसको मुश्किल से बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे मिलते होंगे, ये उसके दिमाग में उसे सोच रखा है। खैर समय के साथ चीज़ें बदलती है, ऐसे वो सारे लोग उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा भी नहीं है, प्राइवेट स्कूल में भी गवर्नमेंट स्कूल से भी ज़्यादा सैलरियाँ मिलती है अब, और जो टॉप की जो कोचिंग क्लासेस वगैरह हैं वो इतना पैसा देते हैं जितना मतलब जो है कह सकते हैं कि सरकारी जो टीचर भी साल भर में नहीं कमाता है। खैर वो गिने चुने लोगों के लिए बात हो रही है, मेजोरिटी तो जो सोचते हैं वो सही ही बात है, लेकिन फिर भी उन्हें अप्रिसिएट करना चाहिए कि कोई व्यक्ति टीचर है, उससे ये पूछना चाहिए कि वो अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, उससे ये पूछना चाहिए कि उसका सब्जेक्ट में क्या नॉलेज है या किस सब्जेक्ट में उसकी माहिरी है, कौन से सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट है,
कितने उसके बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल हुए, कितने बच्चे उसके जो है किसी अच्छे करियर में जा चुके हैं, एक टीचर से ये पूछना चाहिए। लेकिन उससे क्या पूछते हैं, आप सरकारी हैं या प्राइवेट, बस। आप सरकारी हैं इट मीन्स ये कि बस हो गया कल्याण, भले आप वहाँ कभी ईमानदारी से आपने नहीं पढ़ाया हो, तो ईमानदारी को अप्रिशिएट करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एलिमेंट्री टीचर, अन एन एलिमेंट्री टीचर शुड अलॉट हाई प्रायोरिटी टू, एक एलिमेंट्री टीचर को किस पे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए किस चीज़ को। ऑप्शन ए इंटरेक्टिंग विद पेरेंट्स, पेरेंट्स से बातचीत करने में, क्या कहते हो, यस और नो? ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग फेलो टीचर्स, आप टीचर्स को आपस में समझने में। ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिटी। ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन। यस, एक टीचर को सबसे ज्यादा समय डिवोट करना चाहिए बच्चों को समझने के लिए, ना कि पेरेंट्स को समझने जा रहे हैं, कम्युनिटी को समझने जा रहे हैं, आपसी टीचर को समझने जा रहे हैं। ये सब फालतू के लोग फालतू काम करते हैं। आप पढ़ाने आते हैं तो टीचर का काम जो है वो बच्चों को समझना होता है, बच्चों को समझे। सबको समझने जाएंगे तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, am I right or wrong? बिल्कुल। तो लास्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट लर्निंग इंक्रीज मार्कली विद व्हेन, स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो बढ़ती है या उसका जो ज़्यादा सीखता है कब। ऑप्शन ए स्टूडेंट बिकम फोकस्ड एंड एक्टिव, जब बच्चा फोकस्ड हो और एक्टिव हो, यस और नो, हाउ मेनी ऑफ यू से यस? ऑप्शन बी व्हेन टीचर इज एक्टिव, चार लोग बोल रहे हैं। ऑप्शन सी हेड ऑफ एजुकेशन इज विजिलेंट एंड इफेक्टिव। ऑप्शन डी पेरेंट्स आर एक्टिव एंड कोऑपरेटिव। यूजुअली ये तीनों चीज़ें इन पे, इन पर ज़्यादा ही फोकस रहता हमारा। तो आप वहाँ का स्कूल का प्रिंसिपल कैसा आया, तो टीचर कैसा आया, तो पेरेंट्स कैसे हैं, तो अरे भाई ये तीनों थर्ड पार्टी, इनको ये कोई पढ़ेंगे नहीं, इनके कितने भी एक्टिव होने से विजिलेंट होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चा एक्टिव है कि नहीं है उससे फर्क पड़ेगा। आपने पढ़ाया, खूब पढ़ाया, अरे वाह 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 क्या पढ़ाया, लेकिन बच्चे ने कितना पढ़ा वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ, इसके लिए मैंने आपको ये सीट दे दी और आप पहले से आपसे सोल्व करवाया, फिर इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से 10 में से 10 के क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, हो गए होंगे ना, क्योंकि अभी आप एक्टिव है। कल मैं ही ज्ञान बांटे जा रहा था तो मैं ज़्यादा एक्टिव था, मैं यानी कि टीचर, स्पीकर का एक्टिव होना तो एक अलग बात मायने रखेगा ही सही, लेकिन जो लर्निंग डिपेंड करेगी वो किस पे करेगी, कि जो लिसनर है वो एक्टिव है या नहीं है। तो आई होप कि आपने 10 क्वेश्चन देखे होंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।